यह है हमारा झारखंड जीएस, और झारखंड जीएस का जो प्रश्न आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, लिखा हुआ है क्या कि देश का एकमात्र भेड़िया अभ्यारण कहाँ है। पहला ऑप्शन है लातेहार, दूसरा है पाकुड़, तीसरा है लोहरदगा और चौथा है जामताड़ा। तो सही आंसर हो जाएगा लातेहार। तो आंसर भर जानना जरूरी नहीं है, इसके साथ जितने भी आपको फैक्ट है जो एग्जामिनेशन में आ चुके हैं या फिर आपको जो जानना चाहिए वो जानना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले आप जानिए भेड़िया जो अभ्यारण है हमारा कहाँ है, लातेहार में, और देश में कहीं भी भेड़िया अभ्यारण है नहीं। उसका कारण ये है कि भेड़िया जो है ना किसी का पोस नहीं मानता है, मतलब किसी का गुलामी नहीं सहता है। भेड़िया जो है वो कुत्ता का एक नस्ल है, कुत्ता का ही एक प्रजाति है। इसका जो सूंघने का क्षमता होता है 14 किलोमीटर दूर तक का ये सूंघ सकता है, और सुनने का जो क्षमता होता है वो 6 मील दूर तक का ये सुन सकता है। अब देखिएगा जो क्या कहते हैं कि जब ये भेड़िया जो होता है, मान लीजिए भेड़िया का कोई बच्चा को आप ले आए कि सोच रहे हैं कि हम उसको पालेंगे पोसेंगे, तो ऐसा नहीं है। भेड़िया का बच्चा को आप पाल पोस नहीं सकते। अगर मान लीजिए उसका बच्चा को आप लेके आ गए, और भेड़िया को तो सूंघने का क्षमता है, ये तुरंत अपना बच्चा को सूंघ के वहां तक पहुंच जाएगा। और जब पहुंचेगा तो झुंड में, भेड़िया हमेशा झुंड में आता है। मोगली उगली बहुत सारा पिक्चर देखे होंगे, जंगल बुक देखिएगा, भेड़िया आपको जब भी आएगा ना तो एक भीड़ में आता है, एक भीड़ में मतलब 12-13 का ग्रुप में पहुंचेगा, है ना। वो जो जिस एरिया में रहेगा ना वो एरिया को तबाह कर देगा। अगर मान लीजिए आप इसको पाल लिए पोस लिए और सोच रहे हैं कि मेरा गुलामी कर रहा है, जहिया मौका मिलेगा ना फाड़ के दो भाग में बांट देगा आपको। ये होता है भेड़िया का खासियत। ये कुत्ते का एक नस्ल है और कभी गुलामी नहीं माना, इसीलिए पूरा वर्ल्ड में कहीं पर है नहीं है, मतलब वर्ल्ड में नहीं, देश में कहीं पर इसका अभ्यारण्य तो नहीं है, लेकिन झारखंड में है। झारखंड में एपी शाही नाम के एक व्यक्ति थे जो 1976 में इसको, आपको एपी शाही जो थे वो महुआटाड़ जो क्षेत्र है लातेहार में, उसको अभ्यारण बनाने का प्रस्ताव रखे, और उन्हीं के कारण आपको ये प्रस्ताव आगे पारित हुआ और 1976 में ये बना था, कहां, लातेहार में। भेड़िया का खासियत जानिए, भेड़िया जो है कभी शिकार करता है ना, कभी भी शिकार कर लिया तो ध्यान रखिएगा शिकार को कभी नहीं खाएगा, वो लेके जाएगा। जो घर का जो पहला बूढ़ा बूढ़ी उसका माँ बाप होगा ना, पहले उसको खिलाएगा, बचेगा तब खाएगा। भेड़िया का ही खासियत होता है। इसीलिए तुर्की में, तुर्की देश का नाम सुने होंगे, तुर्की देश, उस तुर्की में जो हमारे यहाँ नहीं बोलता मेरा बेटा शेर है, वहां शेर नहीं बोला जाता, वहां पर बोलता मेरा बेटा भेड़िया है, ताकि ये जब हम बूढ़ा होंगे तो हमको क्या करेगा, खिलाएगा। शेर भूल सकता ही नहीं भूल सकता, ये हमेशा एक ही पत्नी के साथ रहता है, मतलब जो नर मादा के साथ है ना उसी के साथ रहेगा। इसीलिए याद रखिएगा, और जानवरों में क्या है कि किसी की पत्नी किसी की भी पत्नी हो सकती है, इनमें नहीं है, उसी की पत्नी रहेगी, वो लाइफ टाइम एक ही पत्नी के साथ जीवन गुजार देता है। इसलिए इन लोगों का आंतरिक झगड़ा भी नहीं होता ना, मादा के लिए झगड़ा जैसे नाग नागिन में झगड़ा होता है, शेरनी के लिए झगड़ा हो जाता है, इसमें वैसा कोई झगड़ा झंझट नहीं है, मतलब मेन कमजोरी इसमें है ही नहीं, ये है आपका भेड़िया। दूसरा बात, जंगल में जल्दी स्त्रियों को नहीं जाने दिया जाता था पीरियड के टाइम पर। कारण क्या था कि उनका घ्राण शक्ति, सूंघने का शक्ति बहुत ज्यादा, और 14 किलोमीटर दूर से जब सूंघेगा तो अटैक कर देता था, जिस समय भेड़िया बहुल क्षेत्र हुआ करता था, जगह जगह पर ऐसा कहानी उठकर भी आता है। और इस प्रकार से ध्यान रखिएगा, और एक बात, 1976 में महुआटाड़ अभ्यारण का भर स्थापना नहीं हुआ है, उसके अलावा भी झारखंड में और 4-5 है अभ्यारण जिसका स्थापना हुआ है। ट्रिक क्या है, हम पैदल गौ चराने जाएंगे, क्या है, हम पैदल गौ चराने जाएंगे। ह से, हम का ह से हजारीबाग, म से महुआटाड़, है ना, पैदल का प से पलामू, दल पैदल बोले दल से दलमा, और उसके बाद क्या है, गौ से गौतम बुद्ध अभ्यारण। इतना अभ्यारण का स्थापना 1976 में हुआ था। इसी के साथ आपका वीडियो यहीं पर समाप्त हुआ, धन्यवाद।